संग्रहालय में तैयार किया गया स्नेक हाउस अब दर्शकों के लिए तैयार है। स्नेक हाउस के भव्य शुभारंभ को लेकर भी नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं इस शानदार स्नेक हाउस में असामाजिक तत्व मूक प्राणियों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ या स्नेक हाउस की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं, इसको लेकर भी निगम ने विशेष योजना बनाई है। इंदौर के प्राणी संग्रहालय का नवनिर्मित स्नेक हाउस बनकर तैयार है। अब बस इंतजार है स्नेक हाउस के उद्घाटन का, जिसका प्रस्ताव नगर निगम परिषद में भेजा जा रहा है। इस स्नेक हाउस की संरचना इस तरीके से की गई है कि अलग अलग प्रजातियों के सांपों को अनुकूल माहौल दिया जा सके। इस स्नेक हाउस के माध्यम से पशु प्रेमी कई तरह की प्रजातियों के सांपों को देखने के साथ ही उनके बारे में भी जान पाएंगे। हालांकि इस स्नेक हाउस का मेंटेनेंस भी काफ़ी महंगा है, इसलिए संभव है कि नगर निगम स्नेक हाउस के लिए अलग से शुल्क वसूल कर सकता है। हम लोगों का प्रयास यही है कि स्नेक हाउस की जो इनॉग्रेशन है वो बहुत जल्द करवाए। उसमें जो भी सुविधाएं हम लोगों को प्रोवाइड करनी है वो लगभग पूरी होने की स्थिति में आ गई है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की भी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। सीसीटीवी वगैरह भी, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो उसको भी हम लोग पूरी तरह से तैयार करके इनॉग्रेशन की स्थिति में बहुत जल्द ले आने की प्रयास कर रहे हैं। हम लोग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तो लगातार उसमें वॉच में रखेंगे। सीसीटीवी भी हम लोग पूरी 180 डिग्री इसमें चेक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी घटना ना घटे कि उसके अपने प्राणियों के साथ कोई छेड़खानी अगर करेगा तो वो डायरेक्टली हम लोग कैप्चर करने में और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का जो भी होता है वो पूरी तरह हम लोग डिटेल्स लेने की तैयारी भी कर रहे हैं और उसी तरह वहाँ पे पूरी तैयारी भी करवा रहे हैं। स्नेक हाउस को लेकर कोई प्रस्ताव जो MIC में अप्रूवल, इनॉग्रेशन के लिए हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे MIC को, और उसकी मेंटेनेंस की लगातार क्या करना है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करके कमिश्नर साहब से और अपने पूरी MIC टीम से उनसे करवा के आगे। प्रयास यही है कि अपनी जो जू की आय है वो लगातार वृद्धि करते हुए उसकी मेंटेनेंस के बारे में सोचे, और बाकी जूस कैसे उसको करते हैं उसका भी मॉडल हम लोग चेक करके उसके हिसाब से तैयारी करने का सोच रहे हैं। सर, जू की वेबसाइट लगातार देख रहे हैं, जो अब दूसरे जू की हाईटेक होती है, इसकी वेबसाइट को लेकर आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या इसमें? हम लोगों ने प्रयास यही किया कि जू का जितने भी एनिमल्स है उसके बारे में पूरी जानकारी देने का अपने वेबसाइट में। इसके अलावा भी जू में जितनी भी कार्रवाई होती है लगातार हम लोग प्रयास करते हैं कि वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक पहुंचवाने के लिए। इसके अलावा भी अगर कोई और नया सुझाव आता है, और कोई आता है ऑडियो क्लिप्स के बारे में या कुछ और के बारे में, उसको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करने के लिए तैयार है। अब बेसिकली क्या है, हम लोगों का मिड साइज जू है, वो मिड साइज जू में जो हम लोग देखते हैं कि जितने अपनी वहाँ पे एनिमल्स है उसके हिसाब से हम लोगों को जो तैयारियाँ करनी है वो लगभग हम लोग हर जगह प्रयास यही करते हैं कि जू के बारे में जानकारी देने के लिए और अपना वेबसाइट को लगातार अपडेट करने की जो तैयारी प्रयास जो है वो लगातार करते रहते हैं।